हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, अगर आप एक BTS आर्मी हैं तो आप अपने आइडल का वेवर्स लाइफ का हमेशा इंतजार करते रहोगे। BTS के गोल्डन मैकने जैसे जोंगकुक भी ये तो हमेशा लाइफ आते ही रहते हैं, पर BTS के स्ट्रॉन्ग लीडर RM वेवर्स पर आए ये थोड़ा कम ही होता है। तो आज जब BTS के सुपरस्टार और हमारे सबके चहेते RM लाइफ आए तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन कुछ आर्मीज के पास उनके लाइफ का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया और कुछ आर्मीज जान नहीं पाई कि RM कब लाइफ आए और उनका लाइफ कब खत्म हो गया और उन्होंने लाइफ में आर्मी से क्या क्या बातें की। तो चलिए जानते हैं कि आर्मी से RM ने क्या क्या बातें की। तो RM अपना लाइफ जोंगकुक के 7 सॉन्ग से शुरू करते हैं और वो 7 सॉन्ग का एक्सप्लिसिट वर्जन को गुनगुनाते हैं और फिर आर्मीज के कमेंट्स का वेट करते हैं। जब उन्हें आर्मीज के कमेंट नहीं दिखते तो वो आर्मीज को कहते हैं, आर्मीज मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम है और अब मैं क्या करूँ। RM बताते हैं कि मैं आप लोगों से बहुत दिनों से बातें नहीं किया हूँ, इसीलिए मुझे कुछ बातें करनी थी और मैं इसीलिए ही ये लाइफ में आ गया हूँ। RM का बॉडी थोड़ा ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आता है तो आर्मीज कहती है कि RM हमें आपकी बॉडी देखनी है, हमें आपकी बॉडी नजर नहीं आ रही है। तो RM कहते हैं, हाँ मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं इसीलिए शायद आप लोगों को मेरी बॉडी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। पर अब भी RM आर्मीज के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे थे तो RM ने ये कहा कि क्या मैं इसे टर्न ऑफ करके फिर से टर्न ऑन कर दूँ, क्या कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर RM जब उनके हाथों से उनके हेयर्स को टच करते हैं उन्हें ये याद आता है कि आर्मीज बहुत ज़्यादा चिंता में थी क्योंकि उन्होंने हेयर सेव कर दिया था और आर्मीज को ये डर था कि कहीं RM अभी आर्मीज में ना चले जाए। पर RM इस बात को क्लैरिफाई करते हुए ये कहते हैं कि आर्मीज गर्मी इतना ज़्यादा था कि मुझे अपना हेयर कट करना ही पड़ा। फिर RM अपने लाइफ के बारे में बताते हैं कि आजकल वो शाम को अपने दोस्तों से मिलते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि आजकल वो म्यूजियम और गैलरीज जा नहीं पा रहे हैं। फिर कुछ आर्मीज ने जोंगकुक के 7 सॉन्ग के बारे में RM को पूछा तो RM कहने लगे कि हाँ मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और इसके बाद मैं अपने सॉन्ग में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहा हूँ। फिर जब आर्मीज ने RM से बाकी मेंबर्स के लाइफ के बारे में पूछा तो RM कहने लगे कि मैं हाल ही में किम तायोन से मिला था और हमने मिलकर वर्कआउट भी किया था और हमने सबने जो भी अभी मिलिट्री में एनलिस्ट नहीं है हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम सब भी एक बार मिलेंगे और मीटिंग करेंगे और ये हमने एक ग्रुप चैट में डिस्कस किया था। फिर RM कहते हैं, मेरा नेक्स्ट सॉन्ग जो आ रहा है वो इंडिगो से बहुत ज़्यादा हटके होने वाला है और मैं अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ कि हर कंट्री में बारिश हो रही है और वेदर कुछ अच्छा नहीं है, तो आप सभी अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फिर आर्मीज RM को मूवीज़ के बारे में, उनके लाइफ के बारे में पूछती है तो RM कहते हैं कि हाल ही में मैंने एक एलिमेंटल मूवी देखी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने ज़्यादा मज़ा किया। और फिर RM बताते हैं कि ऐसे तो कुछ नहीं चल रहा है और मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। उतने में ही आर्मी नोटिस करती है कि RM की आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही है। तो जब आर्मी ये पूछते हैं कि आपके आवाज़ को क्या हुआ तो RM बताते हैं कि लास्ट नाइट मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की थी और शायद इसीलिए ही मेरा आवाज़ ऐसे हो गया है। और आर्मीज को RM अपने हेयर स्टाइल के बारे में बताते हैं कि अगर इसे साइड से देखो तो ये ऐसा लगता है कि मैंने अपना हेड शेव कर लिया है, पर आर्मीज मैं ठीक हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे भी सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता रहूँगा। और यही लाइन बोलकर RM अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं और आर्मीज को बाय बाय कह देते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट पर बताना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।